जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जगन्नाथ भूमि की, जगन्नाथ पुरी स्थित श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर की। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने जगन्नाथ महाप्रभु के ऊपर एक किताब लिखी है, उनकी बारे में विस्तार से मैंने उसमें लिखा है, वर्णन किया है। उसका उस पुस्तक का नाम है जगत के नाथ जगन्नाथ, और पुस्तक विमोचन समारोह कल भुवनेश्वर में आयोजित है, 5 जनवरी 2024 संध्या 4 बजे भुवनेश्वर में सत्यनगर में उत्कल अनुज हिंदी पुस्तकालय में समारोह आयोजित है, जहां मेरी लिखी हुई पुस्तक जगत के नाथ जगन्नाथ का विमोचन होगा महानुभावों के द्वारा। आज इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या कि हम लोग, हमारे भारत में 4 धाम हैं, सारे सनातनी बंधु, सारे हिंदू भाई बहन लोग सब जानते ही हैं, उसमें एक धाम का नाम है श्री जगन्नाथ पुरी, और बाकी द्वारकाधीश एक धाम है, बद्रीनाथ एक धाम है, सिद्धबद्ध रामेश्वरम एक धाम है। ऐसे 4 धाम हमारे देश में है, जो आदि शंकराचार्य जिन्हें स्थापित किया था आज से हजारों साल पहले। उसी जगन्नाथ धाम, उसी जगन्नाथ धाम में विराजे जगन्नाथ जी महाप्रभु, वो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के संग वहां विराजित हैं। उसी पर मैंने किताब लिखी है, और उस किताब का उल्लेख एक्चुअली स्कंद पुराण, जो हमारे लिए बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और लक्ष्मी पुराण में इसका उल्लेख बहुत ज्यादा पाया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं, बहुत सारे पुराण हैं, उसमें भी उल्लेख पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः स्कंद पुराण में, ब्रह्म पुराण में, लक्ष्मी पुराण में जगन्नाथ मंदिर के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और उसी से मैं मुख्य मुख्य बातें उन्हीं महाग्रंथों से, और मैंने मुख्य मुख्य बातें मैंने ली है, संग्रहित किया है। और इसके अलावा जो यहाँ पर उड़ीसा में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न समय में बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा लेख निकलते हैं, छपते हैं, उनमें से भी मैंने काफी कुछ लिया है, संग्रहित किया है। उन सबका समावेश मैंने मेरी पुस्तक जगन्नाथ जगत के नाथ जगन्नाथ पर उसमें समावेश किया है। 208 पेज की किताब है। कल उसका विमोचन समारोह है भुवनेश्वर में सत्यनगर में। मैं अब उसके दो तीन मुख्य मुख्य बातें आपको बताना चाहूंगा। उसमें सर्वप्रथम तो मैं जगन्नाथ जी के ऊपर जो एक बहुत प्रसिद्ध बात है उसको मैं बोलना चाहूंगा। जगन्नाथ जी के स्तुति गान में वो है, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। इसके अलावा जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे, ये जगन्नाथ जी के बारे में यहाँ प्रचलित कहावत है, और लोग यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान, इसका बराबर विद्वान लोग जब भी कोई प्रवचन करते हैं जगन्नाथ जी के ऊपर, वो सब इसके बारे में प्रारंभ से ही उच्चारण करते हैं और महिमा गान करते हैं, स्तुति गान करते हैं जगन्नाथ जी की। अब मैं इसकी मुख्य बातें दो चार आपके सामने बताने जा रहा हूं। उसमें एक तो ये बात है कि ये करीब 800-850 साल हो गया जगन्नाथ मंदिर को हुए पुरी में, और ये जो जगन्नाथ मंदिर की जो स्थापना हुई है, पुराणों में उल्लेख है, महर्षि भारद्वाज के द्वारा ये स्थापना हुई है। महर्षि भारद्वाज जो वन में जब भगवान रामचंद्र जी जब गए थे, उनके आश्रम में भी गए थे भगवान रामचंद्र जी, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी, माता सीता जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए थे वन में, जब भगवान रामचंद्र जी वन यात्रा कर रहे थे, उसी समय वन में ही
भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, वहां वे गए थे। उन्हीं भारद्वाज ऋषि के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ही वहां जगन्नाथ मंदिर की पुरी में स्थापना हुई है और ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार स्थापना हुई है और भरद्वाज जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में स्थापना हुई है। और इसके बारे में मैं आपको यह बताऊं कि जो मारवाड़ी समाज में एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, वो प्रसिद्ध भजन ये है, थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी जिमाव बेटी जाट की। ये जो बहुत ही पॉपुलर भजन है श्याम बाबा का, खाटू नरेश श्याम बाबा का, लखदातार श्याम बाबा का, ये जो भजन जो गाई है कर्माबाई, वो प्रसिद्ध कर्माबाई जिन्होंने कृष्ण भक्ति में, श्याम भक्ति में अपना पूरा जीवन बिता दिया, वो कर्माबाई का ये जो भजन वो मारवाड़ में राजस्थान में गाई थी। तत्पश्चात यहाँ पर जब जगन्नाथपुरी में भक्तों को मालूम हुआ, यहाँ के राजा को मालूम हुआ, पुजारियों को मालूम हुआ, वो लोग पुजारी लोग वहां जाके राजस्थान से कर्माबाई को पूरी ले आए थे जगन्नाथपुरी में। और कर्माबाई अपने भजनों के द्वारा जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी को रोज रिझाया करती थी और रोज उनके बारे में सब उनका फूलों से श्रृंगार करती थी और उनके लिए भोजन वगैरह बनाती थी। उन्हीं की याद में आज भी कर्माबाई की वहां पर समाधि भी है पुरी में, और उसी कर्माबाई की, भक्त शिरोमणि कर्माबाई की याद में उन्हीं के नाम से आज भी जगन्नाथ मंदिर में प्रथम जो खिचड़ी प्रसाद जो लगता है वो कर्माबाई के नाम से ही लगता है, उसी कर्माबाई की याद में। तत्पश्चात एक और मैं राजस्थान का कनेक्शन आपको बताता हूं। वहां ये जो जगन्नाथ मंदिर में एक है मुक्ति मंडप पंडित सभा, जब आप लोग जाएंगे सिंह द्वार से मंदिर, मुख्य मंदिर में जब प्रवेश करेंगे तो बाएं तरफ है मुक्ति मंडप पंडित सभा, एक बहुत सारी ऊंची जगह है, वहां पर पंडित लोग 10-20-30 हमेशा बैठे ही रहते हैं। और वो मुक्ति मंडप पंडित सभा जो है वो हमारे सनातनियों की, हिंदुओं की, सारे विश्व में सबसे बड़ी संसद है, वो पार्लियामेंट है हमारे हिंदुओं की। और वहां समय समय पर बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग वहां अक्सर बैठ के निर्णय लेते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने जी जान से प्रयास किया कि वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर जगन्नाथ जी का दर्शन करें। दो बार उन्होंने प्रयास किया जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर जगन्नाथ जी का दर्शन देने के लिए, लेकिन दोनों ही बार उनकी एप्लीकेशन नामंजूर की गई और उनको प्रवेश निषेध किया गया। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, बहुत मोस्ट पावरफुल लेडी थी वो हमारे देश की, दुनिया में उनका नाम था, डंका बजता था, उनकी मना कर दी गई। क्यों मना कर दी गई? जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार में दाहिने तरफ जब प्रवेश करेंगे, दाहिने तरफ लिखा हुआ है ओनली हिंदू आर अलाउड, मतलब उसमें हिंदू लोग ही केवल प्रवेश कर सकते हैं। इंदिरा गांधी चूंकि विधर्मी से शादी कर ली थी तो हमारे पंडितों के हिसाब से पंडितों ने उनको विधर्मी डिक्लेयर किया, तभी तो दो दो बार उनकी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई, जो वहां पर मुक्ति मंडप पंडित सभा बैठी और दोनों ही बार उनकी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई। वो मुक्ति मंडप पंडित सभा का जो बड़े बड़े खंभे है, ऊंची जगह पर पंडित लोग बैठते हैं, वो मुक्ति मंडप पंडित सभा के निर्माण में राजस्थान के जो राजा थे मान सिंह, जो यहाँ पर अकबर के समय में उड़ीसा के, समझ लीजिए एक तरह से जिनको आज के जमाने में गवर्नर बोलते हैं, गवर्नर होके आए थे अकबर के जमाने में, और कटक में ही उस समय उड़ीसा की राजधानी थी, कटक में ही वो मान सिंह जो जयपुर के राजा थे वो कटक में ही विराजते थे, उस समय रहते थे। उनकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी वहां गई और उनके मार्गदर्शन में, उनके आदेशानुसार वहां पर मुक्ति मंडप पंडित सभा का जो बड़ा मंडप है वो निर्माण कराया गया, ऐसा उड़ीसा के इतिहासकारों ने लिखा है और मैंने भी उसी संदर्भ में ही उसमें लिखा है। और उड़ीसा के इतिहासकारों ने मानसिंह के बारे में बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए हैं कि ये धर्मानुरागी राजा थे
और जगन्नाथ प्रेमी थे, जगन्नाथ भक्त थे। ऐसे मानसिंह, राजा मानसिंह के बारे में उड़ीसा के प्रसिद्ध प्रसिद्ध इतिहासकारों ने अनेक जगह उल्लेख किया है। इसके अलावा मैंने एक किताब भी लिखी है वास्तुशास्त्र के ऊपर, विद्यासागर श्रेष्ठ वास्तुशास्त्र। उस किताब में 2017 में वो किताब मेरी छपी थी, उस किताब में भी मैंने जगन्नाथ मंदिर का उदाहरण दिया है कि दुनिया में जो भी है वास्तुशास्त्र के बारे में, कोई अगर बिल्डिंग के बारे में बताया जाए, सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वास्तुशास्त्र का जगन्नाथ मंदिर पुरी। मैंने इसमें भी, मेरी जो किताब अभी है उसमें भी मैंने लिखा है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से चार कोने को हम लोग देखते हैं, उसमें ईशान कोण, एक अग्नि कोण, एक नैऋत्य कोण और एक होता है वायव्य कोण। चारों निशान की जो महिमा, चारों निशान के बारे में जो जो सब होनी चाहिए, जो बातें सब रहनी चाहिए, जहां पर वो सारी की सारी बातें जगन्नाथ मंदिर में स्थित है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर भी बता रहा हूं, जैसे जो स्नान पूर्णिमा होती है तो उस समय भगवान बलभद्र, महाप्रभु जगन्नाथ और भगवान सुभद्रा देवी, इन तीनों का वहां स्नान कराया जाता है। वो जो कुएं से जो जल लाया जाता है, वो कुआ और वो स्थान जहां पर भगवान स्नान यात्रा में आते हैं स्नान पूर्णिमा के दिन, वो है ईशान कोण में स्थित है वो जगह। इसके अलावा जब महाप्रसाद जहां पर बनता है और 56 प्रकार के भोग जहां पर बनते हैं, वो अग्नि कोण है जगन्नाथ मंदिर में। इसके अलावा जहां माता विमला का मंदिर है, माता विमला आराध्य देवी है, उनका नैऋत्य कोण में उनका मंदिर है। इसके अलावा वायव्य कोण में माता लक्ष्मी का मंदिर है। वायव्य कोण में, क्योंकि आप लोग, हम लोग सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी कहीं एक जगह विराजमान नहीं रहती है, लक्ष्मी जी को चंचला बोला गया है, आना जाना उनका लगा रहता है, इसलिए वायव्य कोण का भी वही है, आना जाना लगा रहेगा। तो वायव्य कोण में लक्ष्मी जी विराजमान है। मैं तो एक ऐसे ही आपको संक्षिप्त में बताया, विस्तार से मैंने मेरी वास्तुशास्त्र किताब में लिखा है और इसमें कुछ और भी ज्यादा विवरण मैंने मेरी इस किताब में भी, जगन्नाथ की जो जगत के नाथ जगन्नाथ जो कल इसका विमोचन है उसमें भी मैंने लिखा है इसके बारे में। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, जैसे गुरु नानक देव पुरी आए थे, जगन्नाथपुरी, उन्होंने भी जगन्नाथ जी का दर्शन किया है, उनके जगन्नाथ दर्शन संबंधी भी एक चैप्टर मैंने इस किताब में लिखा है और बहुत सारी है। ये कबीरदास जी भी आए थे वहां पर, नाने ये गौरांग महाप्रभु बंगाल से वो आए थे आज से करीब 500 साल पहले, वो जब आए थे जलमार्ग से कटक में ही जो गड़गड़ेश्वर महादेव मंदिर है वहीं पर वो बालू में आगे लोटपोट हुए, इसलिए उसको बाली यात्रा मैदान बोला जाता है। और चूंकि वो वहां पर उड़िया में बोलते हैं, मतलब लोटपोट को उड़िया में बोलते हैं घोड़ीवा, तो गड़गड़िया घाट इसीलिए उनका नाम पड़ा है। और वहां से वो फिर नौका से होकर दिल्ली, माने पुरी गए थे, नौका पुरी घाट जो कटक में है वो पुरी, वहीं से उन्होंने नौका ली थी पुरी जाने के लिए, इसलिए उसका नाम ही है पुरी घाट। ये करीब 500 साल के पहले की मैं बात बता रहा हूं। और फिर गौरांग महाप्रभु वहीं बहुत वर्ष तक रहे एवं अंत में वहीं पर जगन्नाथ जी में वो समावेश भी हो गए। ये सब बातें सारे उड़ीसा के लोग तो जानते ही हैं, मैंने भी उसमें एक चैप्टर लिखा है। इसके अलावा बहुत सारे साधु संत महात्मा, अनेक अनेक भारतवर्ष के, ये जो अभी हमारे राम मंदिर के बारे में चर्चा है, स्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी वो भी आए थे पुरी, उनके बारे में भी मैं एक चैप्टर लिखा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास किस तरह पुरी आए, फिर वहां क्या देखा, कैसे हुआ, वो सब बातें भी मैंने इसमें लिखी है। अच्छा, जो स्नान यात्रा में जो गजानन वेश होता है ठाकुरों का, वो गणपति भट्ट नाम के एक भक्त महाराष्ट्र से आए थे, उनका उसमें उल्लेख है कि वो कैसे आए, कैसे भगवान ने दर्शन दिया, फिर गणपति नाम से ही गजानन वेश हर साल होता है। इस तरह मैंने बहुत सारी बातें मेरी किताब में मैंने उल्लेख किया है, 208 पेज की किताब है। और कल सभी से निवेदन है, भुवनेश्वर में कल शाम को 4 बजे उत्कल अनुज हिंदी पुस्तकालय में आए, वो सत्यनगर में स्थित है, और वहां पर आप आए और पुस्तक विमोचन समारोह का हिस्सा बने, आपको आनंद की प्राप्ति होगी, जगन्नाथ महाप्रभु की भी कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।